traffic, keywords, hosting payment, content, SEO. दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम एक नई वेबसाइट बनाते हैं, वो भी हम ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसमें कोई विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, जहां ना ही कोई प्रोग्रेस दिख रहा है। हम कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं ऐसे एक वेबसाइट पे जहां पे हमें ये भी नहीं पता कि क्या हम उस पर अपना करियर बना पाएंगे, जिस वेबसाइट में हम वर्क कर रहे हैं क्या हम उससे कभी पेमेंट उठा पाएंगे। और इसमें जो सबसे मेन चीज आती है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमें सिर्फ हमारे पास एक चीज होती है, मोटिवेशन कि हम वर्क करते रहेंगे भले ही हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा है, आगे भी शायद हमें कुछ ना मिले, शायद हम इस फील्ड में बैठ ही ना पाए, लेकिन हम कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे। तो दोस्तों ऐसी चीजों के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम देती है, वो है इनकम्प्लीट नॉलेज। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ऐसी चीजों पे वर्क करते हैं जिस पे फिलहाल वर्क नहीं करना है, वो एडवांस चीजें हैं जो बड़े वेबसाइट्स वाले यूज कर रहे हैं। तो हे हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सी ट्रिक्स में। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं और उन पे रैंक करते हैं। अब यहां पर सबसे जो पहली चीज है वो आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें हर एक चीज जो बताई है वो बहुत ही मेन है, इसमें मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो कम से कम इस वीडियो को देख ले, कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अब सोच लेते हैं कि भाई वेबसाइट बना ली है, अब मैं कीवर्ड देख लेता हूं फ्री इंटरनेट ट्रिक्स। अब मान के चलिए मैंने ट्रिक्स की वेबसाइट बना ली है और फ्री इंटरनेट कीवर्ड देख लिया है, अब मैं सोच रहा हूं इस पे मैं रैंक कर लेता हूं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट्स कॉम्पीट हैं जो सालों से वर्क कर रही हैं, और गूगल आपकी वेबसाइट को उठा के फर्स्ट नंबर पे नहीं डालेगा, क्योंकि फिलहाल वो नहीं चाहता आपकी वेबसाइट कहीं पे आए, क्योंकि वो ऐसी वेबसाइट को रैंक करवाएगा जिसके पास ऑलरेडी कुछ अच्छा डेटा हो, जिसके पास ऑलरेडी यूजर्स हो। आपके पास अभी फिलहाल डेटा नहीं है और आपके पास यूजर्स भी नहीं है, और आपकी वेबसाइट कब बंद हो जाए उसका गूगल को भरोसा नहीं है। गूगल अपने यूजर्स को सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको अगर अपनी वेबसाइट को जीन्युइन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना होता है जो शायद अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। मान के चलिए मैं सोच रहा था फ्री इंटरनेट ट्रिक्स पे रैंक करूंगा, पर फिलहाल उस पे नहीं कर सकता हूं, तो मैं ऐसा कीवर्ड ढूंढूंगा फ्री इंटरनेट ट्रिक्स फॉर एयरटेल इन इंडिया। इतना लंबा कीवर्ड कोई भी सर्च नहीं करेगा, इसका मतलब उस कीवर्ड पे कोई भी विजिटर्स नहीं है, पर एटलीस्ट मुझे ऐसे 6 कीवर्ड्स पे रैंक करना जरूरी है, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट को कम से कम कोई तो कीवर्ड पे गूगल पे रैंक करवाना है जिस पे मैं फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आऊं। और सीधी सी बात है, इस कीवर्ड पे किसी भी वेबसाइट ने आज तक कभी रैंक नहीं किया होगा, तो आपको इस कीवर्ड पे रैंक करना होगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। जैसे ही आप ऐसे 6 कीवर्ड्स पे रैंक कर लेते हैं, मोस्टली आपको 15 से 20 दिन लगेंगे अगर बहुत ही आप स्लो काम कर रहे हैं, फिर भी आप मिनिमम बैकलिंक्स बना के इन कीवर्ड्स पे 15 से 20 दिन में रैंक कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा, आपको इससे शॉर्ट वाले कीवर्ड्स उठाने, जैसे कि जिसमें 10 से 20 विजिटर्स मंथ का आ रहा हो, जैसे फ्री इंटरनेट ट्रिक्स फॉर एयरटेल सब्सक्राइबर्स। तो यहां पर एक कीवर्ड है जिसमें 10 से 20 विजिटर डेली का आ रहा है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी वेबसाइट किसी ना किसी कीवर्ड पे आ रही है कम से कम। आपको सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड्स पे रैंक करना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो गूगल आपको हाईलाइट करेगा हाँ ऑलरेडी वेबसाइट काफी सारे कीवर्ड्स पे रैंक्ड है और वैल्यूएबल है। जब आप ऐसे कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और आप कंपटीशन में उतर जाते हैं, देन आप किसी वेबसाइट को कॉम्पीट कर सकते हैं अपने कीवर्ड को लेकर, जैसा कि फ्री इंटरनेट ट्रिक्स, जो हमारा ड्रीम था कि इस कीवर्ड पे काफी ज्यादा विजिटर्स है और अब मुझे इस पे रैंक करना है। तो यहां पर मैं उस कीवर्ड पे अब रैंक करने चला जाऊंगा और उस पे बैकलिंक बनाऊंगा। सीधी सी बात है, अब मैं कंपटीशन में उतरने की तैयार हूं। एक एग्जांपल देता हूं, एक लड़का है जिसे रनिंग में स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पार करना है, तो वो डायरेक्ट तो कंपटीशन में उतरेगा नहीं कि नहीं मेरे सारे कॉम्पिटिटर मेरे आजू बाजू खड़े हैं और अब मुझे बस बीच में लगना है और दौड़ के फर्स्ट नंबर आना है। नो, वो सबसे पहले ग्राउंड में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, अकेले प्रैक्टिस करेगा, उसके देखने वाला, उसे पूछने वाला, उसे बताने वाला कोई भी नहीं है। वो जस्ट रनिंग करके पहले स्टैमिना बढ़ाएगा, वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वो अपने फिटनेस फिट करेगा अपनी बॉडी को। उसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों से कॉम्पीट करेगा जो उसके बराबरी के हों, इसका मतलब कि छोटे छोटे कीवर्ड्स वाले बैकलिंक्स, कीवर्ड्स जिसपे बहुत ही कम विजिटर्स आते हैं, इसका मतलब कि वो अपने बराबरी वाले लोगों से रनिंग की प्रैक्टिस करेगा, उन्हें हराने की कोशिश करेगा।
का, जब वो ऐसा कर लेता है देन वो कंपटीशन में उतरने के लायक है, वो भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल नेशनल, वो पहले डिस्ट्रिक्ट या स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन वो नेशनल पार करेगा। सेम जो प्रोसेस आती है कीवर्ड्स पे आती है, सबसे पहले आपको ऐसे कीवर्ड पे रैंक करना होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद धीरे से बढ़कर आप छोटे मोटे वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे आ जाते हैं, देन आप आ जाते हैं कुछ मीडियम लेवल कीवर्ड्स पे जिसमें 100 से 200 विजिटर्स हैं, देन आप आते हैं 1000 से 2000 वाले कीवर्ड्स पे, और उसके बाद आप कॉम्पीट कर सकते हैं अच्छी बड़ी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपके पास अब ऑलरेडी कुछ विजिटर्स डेली के आने लगे हैं। तो ये थी नॉर्मल प्रोसेस। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ढूंढते कहाँ से हैं, ये पता कैसे करते हैं कि भाई ये कीवर्ड कैसे होते हैं, इनके वॉल्यूम कितने हैं और इस पे रैंक करने के लिए डिफिकल्टीज कितनी हैं, लो है, मीडियम है, हाई है, तो इन चीज़ों को ढूंढने के लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं। उन वेबसाइट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरे डेस्कटॉप की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की तरफ और जानते हैं इन वेबसाइट्स को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे ही बेस्ट वीडियोस देने की मैं कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो कीवर्ड्स फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो है पेड, दूसरा है फ्री। तो आपको अगर पेड वर्जन यूज करना है तो आप आरिफ यूज कर सकते हैं। आरिफ का जो रेट है वो काफ़ी हायर है, पर अगर आप मेरे थ्रू या किसी के थ्रू लेते हैं तो अप्रॉक्स आपको 400 रुपीज़ मंथली पे मिल जाता है वो अकाउंट, जिसमें आप पूरे कीवर्ड जो है फाइंड कर सकते हैं, किस कीवर्ड्स का कितना वॉल्यूम है ये सब आप वहाँ जान सकते हैं। और अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास है KW फाइंडर। यहाँ पर आप हर प्रकार का कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, उसकी कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो देख सकते हैं। अब मैं मान के चलिए मैं देखता हूँ फ्री इंटरनेट ट्रिक्स फॉर एयरटेल, तो ये हो गया लॉन्ग मीडियम कीवर्ड। तो इसे हम सर्च करते हैं कि इस पर कितनी डिफ़िकल्टीज़ है रैंक करने के लिए। तो जैसा कि ये फ्री वर्जन है तो इसमें आपको लिमिटेड मिलते हैं, काफ़ी लिमिटेड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इजी कह रहा है, मतलब कि इसमें रैंक करना ज़रा सा इजी है। अब इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल जो सर्च कितने होते हैं मंथली, यहाँ पे आपको और भी सजेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है ये सर्च होता है 40 टाइम्स और इसका CPC अप्रॉक्स मिल जाता है 0.27, और बाकी जो चीज़ें हैं आप इन कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल तो रैंक करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो फ़िलहाल आप उसे रोक दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है डोमेन अथॉरिटी है, मतलब वेबसाइट की कितनी डोमेन अथॉरिटी है, बाकी यहाँ लिंक्स कितने हैं, बैक लिंक्स, और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि FB सोशल लिंक्स कितने हैं, तो कोई काउंट नहीं करता है लेकिन ये गूगल काउंट करता है कि उसके शेयरिंग कितने हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 85, 4, और इनकी जो है आप बोलेंगे कि ये वेबसाइट ऊपर क्यों है, तो मे बी इसके पोस्ट में यूज़र वेट ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि यूज़र टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे आ गई है। तो फिलहाल आपको इन कीवर्ड्स पे रैंक करना है, इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं आप देखता हूँ मेरा फर्स्ट जिसमें मैं हमेशा से रैंक करना चाहता था, फ्री इंटरनेट ट्रिक्स। अब यहाँ मैं अगर देखूँगा तो इसमें मेरी डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी हार्ड होंगी। अब ये हो गया गॉड फॉर इट, ये हो गया 100 out of 14, इसकी भी अभी जो रैंकिंग है इसमें डिफ़िकल्टी है वो ज़रा सी ईजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रही वो वेबसाइट जहाँ पर रैंक किया है मैंने, और बाकी जो लिंक्स हैं वो सारे टॉप पर हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण की वजह से वो ऊपर है, और इसके मंथली सर्चेस सिर्फ अब कम हो चुके हैं जब से जियो आया है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सेम आप आरिफ में भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो आप आरिफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पूरी तरह समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको हर एक डिटेल में बताऊं। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि थोड़ा सा ये चैनल को भी आगे बढ़ाने में आप मदद करो। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो। और आपके पास कोई भी आइडिया, सजेशन या प्रॉब्लम है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।